दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको आपके घर को बेहतरीन और सुंदर लुक्स देने वाले पेंट को फैक्ट्री में कैसे बनता है ये दिखाने वाले हैं। इन पेंट्स को फैक्ट्री में बनता देखकर यकीनन आप चौंक जाएंगे, तो हो जाइए तैयार क्योंकि आज का हमारा ये सफर बेहिसाब कन्वेयर बेल्ट और मशीन के बीच से गुजरने वाला है, जहां आपको बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और हम आपको दिखाते हैं कॉम मोड्स मेकिंग प्रोसेस। ये कहना तो बेहद ही अजीब है, मगर फिर भी क्या आप जानते हैं कि शौचालयों को कैसे बनाया जाता है? नहीं? तो आइए हम आपको बताते हैं। दोस्तों, इन टॉयलेट सीट को कैरेमिक, कंक्रीट और प्लास्टिक को मिलाकर बनाया जाता है। इसके बाद इन सभी कॉम मोड्स को इन कोस्टिंग मोल्ड्स में हीट करके तैयार किया जाता है। और अब आखिर में बारी आती है इन कॉम मोड्स को कांच जैसे फिसलनदार और चिकनाहट की फिनिशिंग देने की, जिसके लिए इस स्प्रिंग मशीन के जरिए कैरेमिक एयर सॉल पॉलिश की जाती है, जिसके बाद हमारी टॉयलेट पॉड कांच की तरह चमकदार लगती है, जो आप देख सकते हैं। दोस्तों, अगले नंबर पर हम आपको दिखाते हैं वॉश बेसिंग मेकिंग प्रोसेस। शौचालयों का उपयोग करने के बाद आपके हाथों को धोने के लिए क्या चाहिए? भाई, वॉश बेसिंग तो चाहिए ना, और क्या। तो चलिए अगर हम वॉश बेसिंग को फैक्ट्री में बनता देखें तो बड़ा मजा आ जाएगा। दोस्तों, वॉश बेसिंग को भी कैरेमिक, कंक्रीट और प्लास्टिक से बनाया जाता है, जिसे कि इन कास्टिंग मॉल्स में भरकर वॉश बेसिंग को तैयार किया जाता है। और दोस्तों, ये नॉर्मल सी प्रोसेस है। इसके बाद अब इन वॉश बेसिंग पर पॉलिश करके इन्हें तैयार कर दिया जाता है। इसके बाद बड़ी ही सावधानी से इन सभी वॉश बेसिंग को उन थर्माकोल पैकेजिंग में डालकर आपके नजदीकी शॉप तक ट्रांसफर कर दिया जाता है। दोस्तों, अगले नंबर पर हम बात करते हैं बर्तन मेकिंग प्रोसेस के बारे में। बर्तनों के बगैर आज के समय में जीना तो मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा हो गया। यूं तो बर्तन जिंदगी में बहुत थोड़ा सा रोल प्ले करते हैं, मगर वो बहुत ही अहम रोल होता है। जी हाँ दोस्तों, इन शानदार क्वालिटी के बर्तनों को बनाने के लिए इसे ऑटोमेटिक स्टील कटिंग के जरिए बर्तन के साइज के हिसाब से मेटल शीट को काट लिया जाता है, और आगे चलकर कटी हुई इस शीट को प्रेशर की मदद से जिस किसी भी शेप का बर्तन बनाना होता है उस आकार में ढाल दिया जाता है, जिसके बाद इन सभी बर्तनों पर इस मशीन के जरिए हैंडल को लगा दिया जाता है, और बाद में इन सभी बर्तनों को इस मैस में अरेंज करके इस केमिकल के टपों में टिप किया जाता है, जिससे कि बर्तनों पर लगी सारी गंदगी हट जाती है और हमारे ये बर्तन पेंटिंग के लिए तैयार हो जाते हैं। आखिरकार अब एक वर्कर मैनुअली इन सभी बर्तनों को पेंट से भरे इन कंटेनरों में डुबोता है। दोस्तों, यहाँ हम आपको बता दें कि अलग अलग बर्तन पर ग्राहक और दुकानदारों की डिमांड के अनुसार अलग अलग रंगों का पेंट किया जाता है। आखिरकार इसके बाद इन सभी बर्तनों को होल्डर पर टांग दिया जाता है। ये होल्डर्स गोल गोल घूमकर बर्तनों पर लगे पेंट को एक सार बना देते हैं। इसके बाद इन सभी बर्तनों पर कंपनी का नाम और बाकी की जानकारी को ट्रेस प्रिंट कर दिया जाता है, और आखिर में इन सभी बर्तनों को इस हीटिंग चैम्बर से गुजारा जाता है, जिसका तापमान 1800 डिग्री सेल्सियस तक होता है, और अंत में हमारा बर्तन बिल्कुल बनकर तैयार हो जाता है। दोस्तों, अब हम आपको दिखाते हैं आपके घरों की सुंदरता को बढ़ाने वाले इस पेंट को कैसे बनाया जाता है। घरों की दीवारों को रंगने के लिए पेंट का इस्तेमाल किया जाता है। ये पेंट घरों को सुंदरता देने के साथ ही साथ दीवारों को सीलन से बचाता है। दोस्तों, पेंट बनाने के लिए सबसे पहले एक ब्लेंडर मशीन में ढेर सारे बेस इंग्रेडिएंट्स जैसे कि रॉल, एडिफिसी सॉल्वेंट और वाटर को ऐड किया जाता है, जिसके बाद लगातार इस सॉल्यूशन को एक निश्चित तापमान पर ब्लेंड किया जाता है। और अब इस ब्लेंडर में एक वर्कर एक खास तरह का पाउडर ऐड करता है। वास्तव में इस पाउडर में कलर पिगमेंट्स मिला होता है, जिससे कि हमारे पेंट को सही रंग हासिल हो जाए, और जिस भी तरह का पेंट बनता है उस तरह का ही कलर पिगमेंट मिलाया जाता है। दोस्तों, ऐसे में हमारा पेंट बनकर हो जाता है तैयार। लीजिए, और जैसे ही ये पेंट बनकर बिल्कुल तैयार हो जाता है तो इसे डिस्पेंशर मशीन के जरिए कैंस और बाल्टी में भरकर आपके नजदीकी शोरूम तक पहुंचा दिया जाता है, जहां से ये आपके पास पहुंच जाता है। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि कैसे इन पेंट करने वाले ब्रशेस को फैक्ट्री में बनाया जाता है? इन्हें बनाने में किस तरह के मटेरियल्स का इस्तेमाल होता है और कितना वक्त लगता है? अगर नहीं तो घबराइए मत, क्योंकि आज हम आपके लिए पेंट ब्रश मेकिंग प्रोसेस लेकर आए हैं। घर और फर्नीचर पेंट करने वाले
इन ब्रशेस को बनाने के लिए दो तरह के मटेरियल का इस्तेमाल होता है, या तो इन्हें सिंथेटिक मटेरियल से बनाया जा सकता है या नेचुरल। नेचुरल पेंट ब्रश बनाने के लिए पिग हेयर्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिन्हें फैक्ट्री में लाने के बाद 5 अलग अलग लेंस में काट कर एक स्पेशली डिजाइन मशीन में डाल दिया जाता है। ये मशीन सबसे पहले इन हेयर्स को कंघी से सीधा करती है और फिर इन्हें सीधा बिछा कर आपस में मिक्स कर देती है। इसके बाद एक वर्कर इस मिक्स में से बीटल्स को लेकर एक वाइब्रेटिंग टेबल पर बेट करता है और इन्हें एक लाइन में सीधा कर देता है। अब इन्हें एक स्टोरेज बॉक्स के अंदर रख दिया जाता है ताकि इन्हें बाद में फ्यूरल के अंदर डाला जा सके। फ्यूरल उस ब्रश के हिस्से को कहते हैं जो इन ब्रिस्टल को पकड़ के रखता है। इसे बनाने के लिए एक पतली स्टील स्ट्रिप को एक मशीन में फीड किया जाता है ताकि इसे 3-4 सेंटीमीटर चौड़ी लंबाई में काट सकें और फिर मशीन में मौजूद रोलर इस स्ट्रिप पर बेल्ट इम्प्रिंट कर देते हैं। अब एक बेल्ट इन्हें छोटे छोटे पार्ट्स में काट देता है और आगे एक मशीन इन टुकड़ों को फोल्ड करके मोड़ देती है और आखिर में इसके एंड्स को लॉक कर दिया जाता है। इन फ्यूरल को अब आगे भेज दिया जाता है। एक ब्रश मेकिंग मशीन हमारे ब्रिस्टल को फ्यूरल के साथ जोड़ने का काम करती है। इसके लिए वर्कर्स ब्रिस्टल का एक बैच मशीन में लोड कर देते हैं और दूसरी तरफ से फ्यूरल को मशीन में फीड किया जाता है। ये मशीन ऑटोमेटिक फ्यूरल को मशीन पर से उठा लेती है और ट्रांसफर करके इनके ट्रिप्स को पकड़कर पैटर नाम के एक वाइब्रेटिंग मशीन की सहायता से इन्हें फ्यूरल में डाल देती है। इसके बाद कार्डबोर्ड की कंटिन्यूअस स्ट्रिप को मशीन में लोड किया जाता है। ये मशीन ब्रिस्टल के बीच में स्पेस बना देती है और दूसरी ओर से कटे हुए कार्डबोर्ड के टुकड़ों को भी फ्यूरल के अंदर फिट कर दिया जाता है। ऐसा करने से फ्यूरल ब्रिस्टल के साथ डायरेक्टली बैक हो जाते हैं। इसके बाद ये मशीन ब्रिस्टल को बाहर की तरफ खींच लेती है ताकि सिर्फ 0.5 सेंटीमीटर की लंबाई के ब्रिस्टल ही फ्यूरल के अंदर रह जाएं। अब बारी आती है इन पेंट ब्रशेस के हैंडल बनाने की। पेंट ब्रशेस का हैंडल बनाने के लिए प्लास्टिक प्लेट्स को एक वैक्यूम लोडर की मदद से एक मोल्डिंग मशीन तक भेजा जाता है, जहां 205 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान पर इन्हें पिघलाया जाता है और इस मेथड प्लास्टिक को हैंडल की शेप में सांचों में ढाल दिया जाता है। 5 मिनट बाद मशीन से हैंडल बाहर आ जाते हैं और मोल्ड्स वर्कर इस हैंडल को 2 स्टिक के साथ लगा देते हैं ताकि इन पर पेंट किया जा सके। पेंट करने के लिए इन्हें पेंट्स वेट्स के ऊपर लटकाया जाता है और फिर धीरे धीरे नीचे की ओर धकेला जाता है ताकि पेंट होते वक्त एयर बबल्स ना बने। सबसे पहले प्राइमर कोटिंग वाले पेंट की एक लेयर हैंडल्स पर लगाई जाती है और इसके बाद दूसरे स्टेप में कलर पेंट में इन्हें डुबोया जाता है। 30 मिनट तक सूखने के बाद इन हैंडल्स को फिर से क्लियर लिक्वायर पेंट के वेट में डुबोया जाता है ताकि इनकी सतह चमक सके। फैक्ट्री के दूसरी तरफ फेरिल के नीचे एपॉक्सी ग्लू लगाई जाती है ताकि ब्रिस्टल फेरिल के साथ अच्छी तरह से चिपक जाए और आखिर में इन ब्रश हैंड्स और हैंडल को एक असेंबली मशीन के अंदर भेज दिया जाता है। असेंबली मशीन इन ब्रश हैंड्स को हैंडल्स के साथ जोड़ देती है और फिर आगे बढ़ते हुए इन हैंडल्स की साइड में 2-3 कीलें ठोक दी जाती हैं ताकि सब कुछ कठोर बैक हो जाए। आगे बढ़ते हुए इन हैंडल्स पर एक मशीन कंपनी का नाम और लोगो प्रिंट कर देती है और ये प्रिंट ब्रशेस तैयार हो जाते हैं। लेकिन ये तो थी आम ब्रशेस की बात, अब देखते हैं आर्टिस्टिक ब्रशेस को कैसे बनाया जाता है। आर्टिस्टिक ब्रशेस को बनाने का काम काफी ध्यान से करना होता है, इसीलिए ये ज्यादातर ये काम मशीनों की बजाय हाथों से किया जाता है। एक फैक्ट्री वर्कर सॉफ्ट हेयर्स के बंडल्स में से एक ब्रश के साइज के हेयर्स को निकाल लेता है और फिर इन्हें एक फ्यूरल के अंदर डाल देता है। और आर्टिस्टिक ब्रशेस के फ्यूरल छोटे होते हैं और निकल प्लेटेड ब्रास से बने होते हैं। अब इन ब्रशेस को समायोजित किया जाता है और एक्स्ट्रा हेयर्स को काट दिया जाता है। जिस तरह से ब्रशेस की अलग अलग मांग होती है उसी तरह से, इसीलिए ब्रश के हिसाब से इस ब्रास मोल्ड को चुना जाता है। फिर इन हेयर्स को फ्यूरल से निकाल कर इन मोल्ड्स में डाल दिया जाता है। इन हेयर्स के रूट्स को फिर से एक वर्कर एक धागे से बांध देता है और वापस फ्यूरल में डाल देता है। फ्यूरल में अच्छे से लगने के बाद इस धागे को पीछे से निकाल दिया जाता है। अब पहले से सेट टेम्परेचर पर इन ब्रश हेयर्स की लंबाई को टेस्ट किया जाता है। अब अगर लंबाई ज्यादा है
तो उन हेयर्स को फ्यूरल से निकालकर लंबाई को अनुकूलित कर लिया जाता है और फिर आगे एक वर्कर एक सिरिंज की मदद से इन पर एपॉक्सी ग्लू लगा देता है और इसे रात भर सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। अगले दिन एक वर्कर इन सूखे हुए ब्रश हैंड्स को एक टैप के ऊपर टैप करती है ताकि जो अच्छे से हेयर चिपके नहीं है वो ब्रश से बाहर आ जाएं। इसके बाद इन हेयर्स को स्टार्च और पानी के एक सॉल्यूशन में डिप किया जाता है और फिर टॉवल के ऊपर रब करके एक आकार दिया जाता है। स्टार्च में डुबोने से ये हेयर्स ज्यादा सख्त हो जाते हैं जो पेंट के लिए बहुत जरूरी है। इन स्टार्च को सूखने के लिए रात भर छोड़ दिया जाता है। अब बारी आती है पेंट ब्रश हैंडल्स की। पेंट ब्रश हैंडल्स पहले से ही बनकर रखे होते हैं और इन्हें एक पेग बोर्ड के ऊपर रखकर इन्हें पेंट करने के लिए ब्लैक लिक्विड में डुबोया जाता है। एक दिन तक सूखने के बाद इन ब्रशेस को फिर से एक सिल्वर पेंट के अंदर डुबोया जाता है और इस बार ध्यान रखा जाता है कि हैंडवेयर बिल्कुल पूरी तरह से पेंट में ना डूबे। आखिर में फिर से एक दिन सूखने के बाद इसे एक आखिर बार ब्लैक पेंट में डुबोया जाता है जिससे ब्लैक सिल्वर ब्लैक पैटर्न ब्रश पर आपको नजर आने लगता है। अब पेंट सूखने के बाद एक पैड प्रिंटर की मदद से हैंडल कंपनी का लोगो और ब्रश की इंफॉर्मेशन को प्रिंट कर दिया जाता है और फिर एक वर्कर ब्रश प्लेट को हैंडल के ऊपर लगा देता है। इन्हें एक ग्लू की मदद से जोड़ा जाता है और जैसे ही ये ग्लू सूख जाता है इस पेंट ब्रश को कीपिंग मशीन में डाल दिया जाता है जो फ्यूरल के टिप को प्रेस करते हुए ब्रश हैंड के साथ जोड़ देती है। इस तरह आपका ये आर्टिस्टिक ब्रश लीजिए तैयार हो गया। तो दोस्तों इन मेकिंग प्रोसेस को जानने के बाद आपको कौन सा प्रोसेस सबसे अच्छा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।